अब इंसान होने के नाते उसको
साथ किसी दोस्त का मिल जाए तो उसके लिए पाप कबूल होता है। माँ बाप सूरत से साथ मिल जाए काबिल कबूल होता है। और लाइफ पार्टनर जीवन साथी जिसको बीवी कहते हैं या औरत हो तो उसको शोहर मिल जाए, ये भी एक जिंदगी को गुजारने का इंसान की दस्तियार का एक हिस्सा है। सबसे पहले आदम सैयदना आदम अलैहि सलाम को जब जंगल में भेजा गया तो बशरी तकाजे के साथ उनके अंदर भी ये ख्वाहिश पूरी के मेरे साथ को होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी पत्नी से सैयदा हव्वा अलैहि सलाम को पैदा किया, इनको इनके साथ जन्नत में कर दिया और फिर इनके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करवा दी, इन दोनों को मियां बीवी बना दिया। और रिवायात कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बनाकर के फरमाया आदम से तेरी बीवी है। तो आदम अलैहि सलाम को जब बताया गया कि ये आपकी बीवी है तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ना चाहा तो रब्बुल जलाल ने फरमाया है आप भी हाथ नहीं पकड़ सकते उसका। तो सैयदा आदम अलैहि सलाम ने सलाम में आकर की या अल्लाह ये बीवी आपने मुझे दे दी फरमा दिया, अब आप मना भी फरमा रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बीवी तेरी बनी जरूर है लेकिन हकूक के दोजियत अदा करने से पहले जरूरी है कि तू हक महर भी अदा करे। हक महर तो जरूरी है और ये निकाह के फराइज में है, इसके बगैर शादी आगे चलती नहीं है। हाँ वो महर पार्सल हो या मुअज्जल हो, नकद हो या उधार हो, उसकी कोई सूरत होनी चाहिए। तो आदम अलैहि सलाम और सलाम आदम करने लगे कि आदम का क्या हो, दौलत देनी है दे देता हूँ, कोई मकान देना है दे देता हूँ, पैसे दे रहे हैं कोई जो आप फरमाएंगे वो दे देता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुछ पूरे नहीं देना, तुम्हें कोई माल नहीं देना, कोई दौलत नहीं देना, कोई फैमिली कोई मकान जायदाद नहीं देनी, बल्कि आप सिर्फ मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद पर दरूद पढ़ दें, दरूद पढ़ना आपका काम है और इसके बदले में हक महर अदा करना मेरा काम। ये दरूद पाक पढ़ के उनके लिए उनको हलाल दिया है। यह इतनी अजीब चीज है नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद मुबारक का पढ़ना। तो एक दफा सारे मुख्तसर तौर पर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुख्तसर दोस्तों, मैं इस दफा का सभी फील होती है इंसान की नफ्सियात में कि इंसान मोहब्बत करता है। अगर अपने मोहल्ले में रहता है तो मोहल्लेदारों से प्यार हो जाता है, रहते रहते घर में रहता है माँ बाप से प्यार होता है, बहन भाइयों से प्यार होता है, मदरसे में रहता हूँ मादरसा से प्यार हो जाता है, तालिबों से प्यार होता है, ताल्लुक बन जाता है। तो एक तो ये आबो आम चीज है वो हर इंसान करता, क्या हर इंसान के लिए कोई ऐसा आइडियल है कि जिससे जब मोहब्बत की जाए तो उससे उस जैसी मोहब्बत भी किसी तरह की जाए। मोहब्बत सब करते हैं, एक नफ्सियाती चीज है करते हैं, उसादी का अपने शगिर्दों से प्यार करते हैं, शगिर्द अपने उसादिदा से प्यार करते हैं, ग्राहक अपने एक दुकानदार से प्यार करते हैं, दुकानदार अपने ग्राहकों से प्यार करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा है कि जिसके साथ जब प्यार किया जाए तो दुनिया की तमाम मोहब्बतें निशावर कर दी जाए उस एक के प्यार पर? कोई